तो कोरोना के बीच आज से अनलॉक दो की शुरुआत हो रही है, जो कि 31 जुलाई तक देश में लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जुलाई के महीने में हिंदुस्तान में क्या कुछ रियायतें दी जाने वाली हैं, आइए समझते हैं इसी को। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक टू में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह हिदायत लॉकडाउन टू से ठीक एक दिन पहले की है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश के बीच कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में मौसम और हालातों को देखते हुए अब और सावधानी बरतने की जरूरत है। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखें। आज से शुरू लॉकडाउन टू में जिंदगी कैसी होने वाली है, उसे भी समझ लेते हैं। कल से लागू अनलॉक टू 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होगा। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने की मनाही। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन। अनलॉक वन की तरह अनलॉक टू में भी उन तमाम जगहों के खुलने पर बैन बरकरार है जहां भीड़ भाड़ जुट सकती है, लिहाजा इन जगहों को लेकर अनलॉक टू के नियमों में भी कोई ढील नहीं दी गई है। आज से क्या क्या बंद रहेगा, उसे भी समझ लेते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो ट्रेन, सिनेमाघर, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, बार, एंटरटेनमेंट हॉल, ऑडिटोरियम भी 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। ज्यादातर राज्यों में बाजारों और दफ्तरों को शर्तों के साथ खोलने की छूट पहले ही दी जा चुकी है। अनलॉक के दूसरे दौर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ ये छूट जारी रहेगी, लेकिन भीड़ भाड़ जुटाने पर पाबंदी बरकरार है। लिहाजा सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां बनी रहेंगी, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे, खेलकूद और मनोरंजन के कार्यक्रमों पर भी बैन जारी रहेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्ती जारी रहेगी। अनलॉक टू को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे में अनलॉक टू को लेकर कुछ राज्य रियायत और सख्ती को लेकर हालातों के हिसाब से फैसला कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।